देवघर में शिल्पग्राम स्थित ऑडिटोरियम में राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम का उपायुक्त विशाल सागर ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कि ऊपर जो है वो सेम रहता है, सही है, ऊपर हमेशा सेम लिखा रहता है, अंदर वो डिफरेंट होता है, तो तैयारी हो जाएगी। ही विल कम एट 1, हाँ, तो वो वैसे ही बोल, बस वैसे ही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आपने बोला था, उसके बाद स्टेज का अनाउंस हुआ था, फिर हम लोग 100 लोगों से वो कर देंगे, उसके बाद ज्वलन से, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन था आपका, फिर उसके बाद विधायक। तो सोफा वगैरह ऊपर कैसे शिफ्ट हो जाएगा उसी ग्रीन से लिख जाए वैसा कर लीजिए, वो बेस्ट है, सब लोग एक ही जगह से बनवा लेंगे कोऑर्डिनेट करते हुए, ताकि सब में यूनिफॉर्मिलिटी लगे, वो जैसा बता रहे वैसा। अच्छा, जो आपका अंदर वाला बैनर है ना, वो आप लोग डिफरेंट रख सकते हो अपना विभाग स्टाइल का, लेकिन जैसे जब भी किसी बड़े एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर जो है वो सेम रहता है, सही है, ऊपर हमेशा सेम लिखा रहता है, अंदर वो डिफरेंट होता है, तो तैयारी हो जाएगी। ही विल कम एट 1, हाँ, तो वो वैसे ही बोल, बस वैसे ही है। सांसद विजय हांसदा की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। पर समस्त झारखंड वासियों को मेरे ओर से झारखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री विजय ऑटोमोबाइल्स भगतपाड़ा पाकुड़ की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। पाकुड़ शहर कोल पंचायत के मुखिया विकास गौंड की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। पाकुड़ पोचा थोल पंचायत की मुखिया मुंगली किस्को की ओर से झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं।